Dear students, now we come to the next topic, that is electric field. It is your fourth lecture, right? So see, what is electric field? It is a region in space around a point charge or system of charges where electrostatic force is experienced. It is experienced by an external charge coming into the field, right? It is electric field. In the same way, we have gravitational field. The region in space around a point charge ki jagah kya hoga? Mass hoga or system of masses, where electrostatic force ki jagah will have gravitational force is experienced by an external charge ki jagah fir mass lenge coming into the gravitational field, right? So ye humne ek charge consider kiya. Suppose this charge is Q aur is charge ne ek field generate kar rakha hai. It is the field. This one is suppose spherical. Single point charge ke liye field will be spherical, right? So it is an spherical field, now an external charge Q dash that enters within the electric field region. As it enters within the electric field region, it experiences electrostatic force. It may be attractive or repulsive. अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा. तो इस चार्ज ने जैसे ही फील्ड में एंटर किया तो इट एक्सपीरियंसेस एक्सटर्नल फोर्स. दैट एक्सटर्नल फोर्स दैट इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इट इज व्हाट? एफई, राइट? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सी मैथमेटिकली दिस एफई इज इक्वल टू क्यू डैश ई. किस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था? क्यू डैश ने. तो एफई की जगह वी हैव क्यू डैश ई. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सी हियर वी हैव रिटन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो नाउ ई वी हैव व्हाट? एफ ई बाई क्यू डैश. तो यूनिट विल बी व्हाट? न्यूटन फोर्स के लिए और कूलम फॉर चार्ज. तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. सीजीएस यूनिट, सीजीएस में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है. तो न्यूटन की जगह विल हैव डायन पर स्टैट कूलम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल बी डायन पर एप कूलम. इन द सेम वे वी हैव डायमेंशनल यूनिट. फोर्स के लिए वी हैव एम एल टी माइनस टू. तो फोर्स का जो हमने ये किया एम एल टी माइनस टू. और चार्ज के लिए क्या है? वी हैव ए टी. तो सॉल्विंग वी गेट एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री. नाउ सी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव फोर्स बाई चार्ज. तो यहाँ देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस किसी टाइम पे आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. तो एक तो हमारे पास फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू डैश सी है और न्यूटन्स लॉ ऑफ सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से the value of Fe is also at kq q dash by r square. So it is equated with what? Q dash c. So q dash or q dash cancel hua. So electric field strength ka result kya gaya hamare paas? It is kq by r square. So it is the formula for what? Electric field strength. It is kq by r square. And the magnitude hamare paas aa gaya kq by r square. Theek hai? Now see, for a point charge q at a distance r, electric field strength is E is equal to k mod q by r square. It will be the electric field in space. And what will be the electric field intensity in medium? E in medium will be equal to mod q by 4 pi epsilon k आर स्क्वायर. दिस के इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम. ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है. एंड ई स्पेस इज के टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन
मीडियम, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ में बताया था. इन द वेक्टर फॉर्म वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू सी फील्ड इज मल्टीप्लाइड विद व्हाट एन यूनिट वेक्टर के क्यू बाई आर स्क्वायर टू यूनिट वेक्टर आर. इट मे बी ऑल्सो रिटेन एज के क्यू वेक्टर आर बाई आर क्यूब. एंड इन द पोजिशन वेक्टर फॉर्म सपोज इन अ कोऑर्डिनेट स्पेस अ चार्ज क्यू इट इज एट पोजिशन वेक्टर आर नॉट and a point P is at position vector RP, we have to get electric field intensity at this point EP due to O. Suppose for this charge we have to get electric field intensity here. EPO will be what? K Q ये कूलम्स लॉ में जैसे बताया था मैंने आर पी माइनस आर ओ बाई मॉड ऑफ राइट. तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द पोजिशन वेक्टर फॉर्म. नाउ सी पोटेंशियल वी हैव टू डिस्कस इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक टू. इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव वन मोर पॉइंट इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव देन the electric field intensity in vector form is minus kq r by r cube. For attractive force field is always negative, means see gravitational force is also attractive, then the gravitational field intensity will be minus, in place of q will have g, in place of q m vector r by r cube. And if the force is repulsive, if F is repulsive, in that case E will be equal to KQ vector R by R cube. Okay. Now see, uniform electric field is denoted by equidistant parallel lines. Equidistant parallel lines agar hain तो फील्ड इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म. जैसे देखिए यह हमने लिया है, दीज आर फील्ड लाइन्स, तो लाइन्स आर इक्वल पैरेलल एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट, देन द फील्ड्स आर व्हाट इक्वल. तो वी कंसीडर फोर पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4. तो फील्ड स्ट्रेंथ एट 1 इज इक्वल टू फील्ड स्ट्रेंथ एट 2, E3 इज इक्वल टू वट E4. नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाइल नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज फील्ड में लेते हैं तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, दैट इज QE. और अगर नेगेटिव चार्ज लिया तो इट विल बी एक्सपीरियंसिस फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हमने, देखिए यहाँ पे जो है लाइन्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल नहीं है बट पैरेलल है. तो मैंने तीनों बताया, इक्वल इक्विडिस्टेंट पैरेलल होगा तभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा. अच्छा, जहाँ लाइन का लेंथ ज़्यादा होगा वहाँ फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. तो लेंथ ऑफ टू इज मैक्सिमम, फिर थ्री का है, फिर वन का है, फोर का है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन E2 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E4. इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म. पहले वाले केस में क्या था, यहाँ यूनिफॉर्म था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ देखिए फिर से, यहाँ लाइन्स इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं बट इक्विडिस्टेंट नहीं है. तो जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ लाइन्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे. तो यहाँ देखिए पॉइंट टू पे लाइन्स का डिस्टेंस सबसे कम है तो फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ही है. फिर किस पे है, फोर पे है, देन इट इज़ एट 1, और सबसे ज़्यादा सेपरेशन 3 पे है, तो यहाँ फील्ड इज वीक. तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म, एंड यू इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, एंड E2 इज ग्रेटर देन E4 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3. लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे. यहाँ देखें, लाइन्स आर नॉट पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म, एंड यू मीन्स नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोज कहाँ है, 2 पे, फिर कहाँ है, 3 पे है, और 1 जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे. सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट,
1. So E2 is greater than E3 is greater than E1. So now we come to motion of charged particle within uniform electric field, right? तो आपका ट्वेल्थ का सिलेबस में यूनिफॉर्म फील्ड ही है. इवन जो है IIT का सिलेबस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है, बट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी जो है हो सकता है. तो वो बेसिक ये है, वो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सपोज E इज़ यूनिफॉर्म, देन व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, QE. E नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, देन ऑल्सो FE विल बी इक्वल टू व्हाट, QE. और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इफ M इज द मास ऑफ चार्ज देन इट इज व्हाट, M इनटू A. See, if electric field is uniform, then acceleration is also what? Uniform. This side we have, left side we have uniform electric field, while right side we have non-uniform. नॉन-यूनिफॉर्म के भी दो कंडीशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी द फंक्शन ऑफ टाइम एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी द फंक्शन ऑफ पोजिशन. सी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन फोर्स इज कॉन्स्टेंट, देन एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज फोर्स बाई मास दैट इज ऑल्सो वट कॉन्स्टेंट. यहाँ पे चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, फील्ड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, मास इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. और 11th काइनेमेटिक्स में आपने जो है काइनेमेटिकल इक्वेशंस किया था, इफ एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म देन दीज फॉर्मूले काइनेमेटिकल फॉर्मुलेज आर वैलिड. Formulae are valid. V is equal to U plus AT. Position final is initial position UT plus half AT square. V square is equal to U square plus 2S. SN, it is the displacement in NS second of motion. U plus A by 2, 2N minus 1. तो अगर electric field uniform है और कोई kinematical result हमें find करना हो, तो बस A को आपने किससे replace कर देना है? QE by M से. A will be replaced by QE by M. ये रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे. अच्छा, पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो दो कंडीशंस पॉसिबल है. 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सलेशन फोर्स बाय मास ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा. तो एक्सलेशन जो है टाइम का अगर फंक्शन है, तो एक्सलेशन के लिए वी हैव फार्मूला व्हाट, ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, इट इज इक्वल टू क्यूई बाय एम. फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इसको हमने सॉल्व कर लिया. सपोज जीरो टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड टी टाइम पे वेलोसिटी इज वी, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द फाइनल वेलोसिटी. और फाइनल वेलोसिटी जब हमारे पास आ गया, तो वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा. जो भी रिजल्ट आएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस रिजल्ट. फिर हम फर्दर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. डी आर इज इक्वल टू जो भी है एफ ऑफ टी डी टी, है ना. तो जीरो टाइम पे सपोज इनिशियल पोजिशन इज आर नॉट, और टी टाइम पे फाइनल पोजीशन पूछा है, तो फाइनल पोजीशन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से. तो ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो एंड द फंक्शन ऑफ टाइम वी हैव टेकन. अच्छा, अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन पोजीशन का हो, देन एक्सलेशन इज क्यू ई बाय एम, इट इज़ द फंक्शन ऑफ पोजीशन. और एक्सलेशन के लिए जो है टाइम फंक्शन में डी वी बाई डी टी, और अगर पोजीशन फंक्शन हो तो एक्सलेशन की जगह वी मे राइट व्हाट, वी डी बी बाई डी आर. ऐसे देखिए, ये समझ लीजिए, 11th काइनेमेटिक्स में आपने किया था A dv by dt, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, dv by dr into dr by dt. And what is rate of change in displacement, that is velocity. तो इसी को हमने लिखा v, और ये क्या हो गया, dv by dr. तो in place of A we'll have to take v dv by dr, that is equal to qe by m. फिर से हमने differential equation solve किया and we'll get the value of what, the velocity after a given position. Note, ये points जो है ज़रा ध्यान रखना है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद ही एक्सेलेरेट करेगा. इट विल बी ट्रेसिंग अ पाथ, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व. तो कौन से कंडीशन में स्ट्रेट पाथ ट्रेस करेगा और कौन से कंडीशन में कर्व पाथ ट्रेस करेगा, ये ज़रा हम देखें. तो चार्ज ट्रेसिस स्ट्रेट पाथ इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो. और दूसरा कंडीशन है जब इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू ई, यू एंड ई आर पैरेलल और एंटी पैरेलल. यहाँ पे जो है एंटी पैरेलल में एंगल बिटवीन यू एंड ई इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. ये मैंने आपको विजुलाइज भी करवाया हुआ है, तो ये ज़रा हम चेक करते हैं. देखिए, यू अगर जीरो है, यहाँ देखें, इन दिस केस द
The charge particle is static. तो force experienced by the charge particle is QE, और जिस direction में force experience करेगा उसी direction में charge particle move करेगा, तो path is what? Straight. Second case, U is not equal to zero. तो यहाँ देखें positive charge है, anti-parallel vector लिया, यहाँ suppose हमने U इस direction में लिया, तो positive charge experiences force in the direction of what? Electric field, ये suppose electric field है. तो यहाँ charge ने force किस direction में gain किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, इट विल बी एक्सेलरेटिंग इन द राइट साइड. तो चार्ज पार्टिकल का पाथ इस केस में कैसा होगा? इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, ये हमारा यू है. पार्टिकल विल स्टॉप क्योंकि फोर्स इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह है. जैसे आप किसी पार्टिकल को जो है ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ग्रेविटी तो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो पार्टिकल क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, इट स्टॉप्स एंड देन इट कम्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी के डायरेक्शन में फॉल करता है. तो एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसे ही होगा कि जब एक्सलेशन इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो पार्टिकल कुछ टाइम के बाद स्टॉप करेगा और फिर से जो है पाथ इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट. तो फाइनली पाथ ट्रेस्ड इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट पार्ट पॉइंट इज चार्ज ट्रेसिस अ कर्व पाथ. यहाँ देखें चार्ज ने कर्व पाथ ट्रेस किया है विद इन यूनिफॉर्म फील्ड इफ एंगल बिटवीन यू एंड ई, U initial velocity vector and electric field vector, theta is greater than 0 degree and 180 degree. तो यहाँ पे आप इसको just visualize कीजिए कि जैसे एक positive charge है and it is the direction of electric field. Suppose it is the direction of electric field. तो positive charge experiences force in the direction of field. तो ये force कितना experience कर रहा है? QE. और initial velocity आपने जो है इस direction में दिया, the angle is what? Theta. तो angle between U and E is theta. तो पार्टिकल को तो प्रोजेक्ट किया है हमने, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कौन से डायरेक्शन में डेविएट करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में. तो पाथ बिकम्स व्हाट? कर्व्ड, राइट? तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिकम्स कर्व्ड. यहाँ देखें, हियर एंगल बिटवीन यू एंड ई इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है. तो प्रोजेक्ट आपने अपवर्ड डायरेक्शन में किया, बट पार्टिकल जो है वो आपका जो है फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है? राइट साइड. तो पाथ इज अगेन व्हाट? कर्व. इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा होगा, ठीक है. यहाँ देखें एंगल बिटवीन यू एंड ई थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, एंटी पैरेलल नहीं है. तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और फोर्स पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में गेन कर रहा है? राइट साइड. तो पाथ इज लाइक दिस, इट इज ऑल्सो कर्व. तो चार्ज पार्टिकल कर्व पर टेस्ट करिएगा जब आपका एंगल बिटवीन यू एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, राइट? अब देखिए हमने लिया प्रोजेक्टाइल मोशन विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस लेते हैं. ग्रेविटी में 11th में आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया था, तो यहां जब वहां मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है एक्स कोऑर्डिनेट में, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड दिस वन इज वाई. यू एक्स वी हैव डिफाइंड, इट इज यू. AX we have what? 0. And UY is 0. And AY it is what? Minus C. Upper coordinate is positive. So gravity downward hai. So sine humne kya liya? Negative, it is minus C. Right? So ab dekhen. Iske liye humne kinematical equation use karke time period of projectile calculate kiya tha. It was T is equal to under 2H by G. और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हमने कैलकुलेट किया था. आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2 एच बाई जी. सिमिलरली हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में जो है प्रोजेक्टाइल लिया, तो यहाँ जो है ग्रेविटी जी है. यहाँ हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, सपोज द पार्टिकल क्यू इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू, इन दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड दिस वन इज वाई, इट इज पॉजिटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? क्यूई. तो पार्टिकल किस तरीके से जो है डेविएट करेगा? इस तरीके का पार्ट ट्रेस करेगा. इट इज सेम एज व्हाट? द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटी. तो सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर ए वाई. The magnitude Ay is equal to force QE divided by M. So what we have to do here, the gravity is G, acceleration due to gravity is replaced by what? QE by M.
right? QA by M. What is the time period of the projectile? This projectile is 2H. In place of G, we have to take what? QE by M. Similarly, range. The range of the projectile is U and the root 2H by Z. The 2H. In place of G, we have to put who here what? QE by M. Right? So it is the range of the projectile. Oblique projectile के लिए भी सारे conditions वही लेंगे. तो अगर आप एक बार projectile revise कर लेते हैं, अभी आपने recently कर रखा है, तो काफी सही होगा. और oblique projectile के लिए भी जो है सारे conditions, बस आपको G को replace किससे करना है? QE by M से. तो जैसे एक oblique projectile का case लिया, suppose this one is an oblique projectile, projection angle is theta, speed is U, gravity is E here, and in place of gravity we have what? Electric field here, E. Here gravity is negligible. So what is the time period of this projectile? 2u sin theta by z. And range of the projectile is u square sin 2 theta by z. और जितने भी formulae हैं, maximum height हो गया, और भी जो है relation से equation of the projectile है, तो सब में आपको g को replace किससे करना है? QE by m से. So see here, what is the time period of the projectile in electric field? So g has been replaced by what? QE by m. Range of the projectile u square sin 2 theta by G की जगह आपने क्या लिया? QE by M. तो इससे ये numericals काफी simple हो जाएगा. NCERT में जो है last के 2-3 questions जो है इसी concept पे based है. तो उन questions पे हम आते हैं. ठीक है? देखिए, ये question दे रखा है. Say, find vertical deflection of the charge the moment it comes out of the electric field region. यहाँ दो plates हैं हमारे पास. One is positively charged, while the other plate is what? Negatively charged. And length of each plate is defined. It is suppose L. ये यहाँ से हमने exactly center से जो है charge को project किया. Suppose this one is positive x coordinate and this one is positive y coordinate. Electric field का direction हमेशा positive से negative surface की तरफ होता है. That is the electric field. Suppose electric field produced is what? E. Charge Q hai. It is positive. And mass of this charge is defined. It is what? M. So see. Ux is equal to. At the moment it comes out of the field. Yaha suppose ye bahar a gaya. So vertical deflection hame find karna. Question may bhi ho sakta tha find karna. Ki find the velocity of the particle the moment it comes out of the field. To ye bhi pooch sakte the aapse. Hai na? खैर यहां तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपसे पूछा है तो ये वाला भी डिस्कस कर लेंगे हम अभी. तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट इज u, इट इज गिवन u y इज 0. नो वेलोसिटी अलोंग द वाई कोऑर्डिनेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0. व्हाट इज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट? इट इज 0 बिकॉज़ नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट. एंड एक्सीलरेशन अलोंग वाई कोऑर्डिनेट, इट इज फोर्स बाय मास. फोर्स इज qe डिवाइडेड बाय मास. आपने अपर पॉजिटिव लिया है तो नीचे फोर्स लग रहा है तो इट विल हैव व्हाट? द नेगेटिव साइन. अब आप देखें, मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल में आपको टाइम फाइंड करना हो, रेंज फाइंड करना हो और इक्वेशन फाइंड करना हो, तो टाइम, रेंज और इक्वेशन के लिए वे यूज़ द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो. कभी भी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी फाइंड करना हो, देन यूज़ द फॉर्मूला यू प्लस 80. याद रखना है, ये मैंने प्रोजेक्टाइल 11th में करवाया हुआ है. एंड व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पोजीशन एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन वी यूज द फार्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो ये फार्मूले यूज करके आप कंडीशंस पे आ सकते हो. तो ये देखो 2D मोशन है या 3D मोशन है? इट इज 2D मोशन, 2-डायमेंशनल मोशन. इसलिए जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, इसको दो कोऑर्डिनेट्स में हमने डिवाइड किया. तो वन इज x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड अदर वन इज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है. तो वट इज द डिस्प्लेसमेंट? कम टू दिस कोऑर्डिनेट. तो दिस कोऑर्डिनेट इज वट? x कोऑर्डिनेट में l डिस्टेंस कवर किया और y कोऑर्डिनेट में माइनस वाई, चूंकि नीचे आया इसलिए माइनस वाई लिया हमने. है तो यू एक्स इज u टाइम t, ए एक्स इज 0. तो सॉल्विंग वी गेट t इज इक्वल टू एल बाई यू. इट इज़ द टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू कम आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कम आउट ऑफ द प्लेट्स, राइट? नाउ दिस t वी हैव टू पुट हियर,
then we'll get the value of what? Y. So vertical displacement is minus y, y negative, uy was 0. So ye humne 0 le liya. So 0 ho gaya. Half ay kis jagah we have to put what? Abhi humne calculate kiya tha force by mass minus qe by m t square. So y we get this value. Now it is equation 1 and it is equation 2. Now we use both the equations. So using the equations we get y is equal to qe by 2m t ki jagah humne value put kiya t square. So it is the vertical displacement of the particle the moment it comes out of the field. Yahan se ek important relation hamare paas aa raha hai. Dekho q by m that is equal to ye result aa gaya hamare paas, it is y. So charge mass ratio is always directly proportional to the vertical displacement. Jis particle ka charge mass ratio jitna zyada hoga uska vertical displacement itna hi zyada hoga. NCERT ka hi equation hai, exercise ka hi, beech mein dekhiyega. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थ्री पार्टिकल्स हैं विद इन द डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E. और ये पूछा है कि आप ये बताओ कि चार्ज मास रेशियो किसका ज़्यादा है, C का ज़्यादा है, A का ज़्यादा है या B का ज़्यादा है. तो देखो B हैज़ नो डिफ्लेक्शन, तो अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है दैट मीन्स चार्ज इज ज़ीरो. तो इसका चार्ज मास रेशियो विल बी व्हाट? ज़ीरो. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. अब जो है आपको मेज़र करना है विद इन द फील्ड. तो NCERT बुक में आप देखना, ये हमने लिया फील्ड. तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका ए का, एंड दिस वन इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर व्हाट? सी. यहाँ एग्जैक्ट ड्रॉ किया हुआ नहीं है फिगर, वहाँ देखेंगे तो आप विजुलाइज कर लेंगे. तो सी, ए इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड दैट मीन्स ए हैज़ व्हाट? नेगेटिव चार्ज. सी इज मूविंग टूवर्ड्स द फील्ड दैट मीन्स सी हैज़ पॉजिटिव चार्ज. एंड वाई सी इज ग्रेटर देन वाई ए. यहाँ सी का जो डिफ्लेक्शन है वो ए से ज़्यादा है. तो अगर ए से ज़्यादा है सी का डिफ्लेक्शन दैट मीन्स चार्ज मास रेशियो ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन चार्ज मास रेशियो ऑफ ए. यही बात मैंने यहाँ भी बताया था कि चार्ज मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको फोर्स के लिए बताया था प्रीवियस क्लास में. देखिए सुपरपोजिशन जो है ये किसी भी वेक्टर के लिए वी हैव टू यूज़ द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और स्केलर के लिए हम अल्जेब्रिक सम यूज़ करते हैं. सी फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स. सिमिलरली नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. राइट, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. देखिए एक पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट पी इज सराउंडेड बाय एन चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड सोन अप टू क्यू एन. पोजिशन वेक्टर्स आर डिफाइंड. सपोज पोजिशन वेक्टर फॉर पी इज आर पी, फॉर क्यू एन इट इज आर वन, क्यू टू के लिए वी हैव पोजिशन वेक्टर आर टू, एंड फॉर क्यू एन वी हैव पोजिशन वेक्टर आर एन. See, electric field intensity at point P is electric field at P due to 1. See, it is the vector sum of all the fields plus electric field at P due to n. और position vector form में मैंने आपको electric field find करना बताया था. जैसे AP1, the value of AP1, we have what? It is K Q1 वेक्टर आर पी माइनस आर वन बाई मोड ऑफ आर पी माइनस आर वन क्यू. सिमिलरली वी गेट ए पी टू एंड सोन अप टू ए पी एन. नाउ फोर्स के लिए मैंने बताया, मान लीजिए कि हमने एक चार्ज क्यू प्लेस किया कहाँ पे? पी पे. देन व्हाट इज द नेट फोर्स? Experienced by charge Q kept at P. तो मैंने बताया है आपको कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इट इज QE. तो इट इम्प्लाइज दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई P इज चार्ज इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P.
by using this formula, you will get the value of what? Force. Q positive है तो positive लेना है और negative है तो negative लेना है. तो यहाँ देखें, net force is Q into AP vector form में. If Q is positive and net force is minus Q into AP if Q is negative, right? एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये टू डायमेंशनल में जो है वो स्टेप्स जो बताए वो स्टेप्स यूज़ करेंगे. अगर थ्री डी क्वेश्चन है तो यू मस्ट यूज़ द पोजिशन वेक्टर फॉर्म, वो आपके लिए ईजी होगा. जैसे क्वेश्चन लिया, इसमें कई पार्ट्स हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स डिफाइंड पॉइंट्स पे यू हैव टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. लाइक अ पॉइंट पॉइंट चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैव बीन केप्ट एट पॉइंट्स थ्री सेंटीमीटर एंड माइनस 3 सेंटीमीटर. कोऑर्डिनेट इज डिफाइंड 300 एंड माइनस 300 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स, ये एक फील्ड फाइंड करना है 900 सेंटीमीटर पे, सेकेंडली फाइंड करना है 990, थर्ड इज 090 एंड फोर्थ इज 999 सेंटीमीटर. मैं ये वाला जो है थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ये 3D में है. तो एक्चुअली इट इज़ अ डायपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मैं कॉन्सेप्ट और जो है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट जो है आगे बताऊंगा. तो इट इज़ फोर्थ पार्ट जो है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल. तो इससे परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन देख के आप कोऑर्डिनेट्स जो है वो पुट करो और सुपर पोजिशन में पोजिशन वेक्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो 999 पे फाइंड करना है. एट दिस पॉइंट वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट. ये पॉइंट्स हमारा डिफाइंड है. तो व्हाट इज आर ए, पोजिशन वेक्टर आर ए इज -300, तो -3 × 10⁻²⁺ I cap meter. व्हाट अबाउट आर बी, दिस वन इज आर बी, इट इज 3 × 10⁻²⁺ I cap, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट में है. नाउ वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी फोर. तो पी फोर के लिए हमने कोऑर्डिनेट लिया, सी ये हमारा पोजिशन वेक्टर आ गया, दैट इज 9 × 10⁻⁹, दैट इज 999. तो इट इज एक्चुअली व्हाट, 9i cap, 9j cap एंड प्लस 9k cap इन सेंटीमीटर. तो मीटर में कन्वर्ट किया हमने, तो दिस मच ऑफ मीटर, ये पोजिशन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया. और चार्जेस हमारा डिफाइंड है. व्हाट इज QA, QA इज गिवन 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तो -6 कूलम. And what about QB? QB has been given 2 microcoulomb, 2 × 10⁻⁶ coulomb, ठीक है. तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P4 पे फाइंड करना है तो देखिए, तो सारा हमने फाइंड कर लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P4, E, इस P4 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लगेगा, A से, एंड द अदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू व्हाट, B, P4B. तो व्हाट इज ए पी फोर ए, दैट इज के चार्ज ऑफ ए आर पी फोर माइनस आर ए बाई माइनस आर ए क्यू. इसका वैल्यूज मैंने आपको बता रखा है, के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹. व्हाट इज चार्ज ऑन ए, दैट इज -2 microcoulomb, तो -2 × 10⁻⁶. देखिए वेक्टर फॉर्म पोजिशन वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं लेते, सिंपली चार्ज लेते हैं. आर पी फोर माइनस आर ए, तो आर पी फोर माइनस आर ए का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने बताया था दोनों का वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जा रहा है. देखिए इट इज़ आर पी फोर एंड इट इज़ व्हाट, आर ए. तो 9 − −3, दैट इज 12, दैट इज देन. ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, जो मैंने स्टेप्स बताया है उसके अकॉर्डिंगली ही मूव करते हैं, ठीक है.
तो एक मैं बताऊंगा आपको और नेक्स्ट वाला जो है आप खुद ट्राई कीजिएगा. मीन्स फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, या चार्ज जो फाइंड, चार्ज जो रखा है हमने ओ पे, सेंटर पे फोर्स फाइंड करना है. तो फर्स्टली गेट द फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से उस चार्ज को मल्टीप्लाई करना है. और याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड में चार्ज का साइन को चेंज करना है. मीन्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज यू हैव टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अगर वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना हो तो चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है, पॉजिटिव नहीं करेंगे, है ना. तो दिस इज वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी. ए बी सी एंड डी, और फील्ड का डायरेक्शन को आप प्रॉपर रखेंगे. तो मैंने क्या बताया है कि पॉइंट और पॉइंट चार्ज शुड बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो बी पे फाइंड करना हो तो बी शुड बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. वाई पॉजिटिव वी हैव टेकन हियर, एक्स इज पॉजिटिव, इट शुड बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब आप देखें बी का नेचर इज पॉजिटिव, ए हैज़ पॉजिटिव नेचर, सी हैज़ नेगेटिव नेचर, सी इज नेगेटिवली चार्ज एंड डी इज पॉजिटिवली चार्ज. आपको फील्ड कहाँ फाइंड करना है, बी पे. तो बी का सराउंडेड कितने चार्जेस हैं, थ्री चार्जेस वी हैव एट ए डी एंड सी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए इट विल बी व्हाट, इट इज ए बी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए, फील्ड इज व्हाट, रिपल्सिव. नाउ दिस वन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा डाइवर्जिंग होता है. लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लाइन्स ऑफ फोर्स से डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपर्टीज, राइट. तो डी इज पॉजिटिवली चार्ज, तो फील्ड लाइन अगर यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू डी इट इज अगेन ई बी डी, राइट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू सी, तो सी सी इज नेगेटिवली चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है. तो फील्ड लाइन जो है आप किधर लेंगे, तो वर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो इट इज ई एट बी ड्यू टू सी. अब देखें ई बी ए इज अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, ई बी सी इज अलोंग नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, बट ई बी डी इज नाइदर अलोंग एक्स नॉर अलोंग वाई. चूंकि स्क्वायर है दिस एंगल इज व्हाट 45 डिग्री, दैट्स वाई दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री. अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में जाते हैं. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया है, पॉइंट और पॉइंट चार्ज और मास इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट सिस्टम वेयर नेट फील्ड और फोर्स हैज टू बी डिटरमाइंड. तो बी पे फाइंड करना था, हमने इसको ओरिजिन कंसिडर कर लिया. सेकेंड स्टेप पे वर्क किया, फाइंड द फील्ड्स और फोर्सेज गिविंग दम प्रॉपर डायरेक्शन. तो फील्ड्स एंड फोर्सेस का प्रॉपर डायरेक्शन लेंगे, इनका मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट करेंगे. थर्ड स्टेप इज व्हाट, रिजॉल्व द वेक्टर्स व्हिच आर नाइदर अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट नॉर अलोंग वाई कोऑर्डिनेट. जो दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं हो उनको जो है रिजॉल्व करना जरूरी होगा. तो सी दिस ई बी डी इज नाइदर अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट नॉर अलोंग वाई कोऑर्डिनेट. तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. थीटा वाला साइड ऑलवेज कम्स इन कॉस, देन इट इज ई बी डी कॉस 45 डिग्री. और ये वाला क्या हो जाएगा, इट इज ए बी डी साइन ऑफ 45 डिग्री, राइट. दिस एंगल इज 45 डिग्री. इसके बाद मैंने क्या बताया है कि नेट फील्ड आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग फाइंड कर लो, है ना. तो व्हाट इज द नेट फील्ड अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज सपोज ई एक्स. एक्स कोऑर्डिनेट पे देखें कौन कौन सा है, ये दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए प्लस ए बी डी साइन 45, ए बी डी बाई रूट टू. सिमिलरली वी गेट नेट फील्ड अलोंग वाई कोऑर्डिनेट,
ई वाई. देखें वाई कोऑर्डिनेट में सिर्फ हमारे पास एक फील्ड है, दैट इज ई बी डी साइन 45, और तो कोई विजिबल नहीं है. और हाँ ई बी सी, ई बी डी साइन 45 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लेना है. ई बी डी साइन 45 वन बाय रूट टू, एंड ई बी सी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस ई बी सी. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. इसके बाद मैंने क्या बताया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटली, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या आ जाएगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर. एंड इफ यू हैव टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ with x coordinate is, it is tan alpha, the reading along y vertical coordinate by the horizontal coordinate ey by ex. अब हमारे पास ये है कि हम ये कैसे फाइंड करें. तो हमारे पास रिजल्ट से ए बी ए, ई बी ए दैट इज के चार्ज ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर. के इज 9 × 10⁻⁹. चार्ज ऑन ए हमने क्या लिया था, इट वॉज 2 μC, देन इट इज 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई ए बी. वन साइड वॉज गिवेन 3 cm, यूनिट इज वट, न्यूटन पर कूलम. सिमिलरली वी गेट ए बी सी, that is k charge on c divided by bc square. Put all the values. Charge on c is what, minus 4 μC. So we have to take the magnitude of charge. Modulus formulae hai na, the magnitude of charge kya ho jayega, 4 × 10⁻⁶ divided by 3 × 10⁻⁶, this much of newton per coulomb. Now e b d 9 × 10⁹. Charge on d, charge on d is what we have, 5 μC divided by, what is this distance, see b d is equal to that is 3√2 cm, right? That is 3√2 × 10⁻²⁺, this much of newton per coulomb. Put all values and get the final result, right? So further you may solve this question now, and again you have to get net field, electric field at what point, the center. Now we have to consider center as the origin of coordinate system. Use the same rule, and if we have to get the force at a charge, force on a charge kept at this point, तो electric field को आप इस charge से multiply करेंगे, you'll get the value of force. ये सब अब basics है, concepts जो है पता होना चाहिए, concepts को आप use करें. अच्छा एक चीज़ और, आप जो है अभी एकेडमिक्स क्लासेस आपका कहीं भी नहीं चल रहा है, न स्कूल जा रहा है, न ट्यूशन जा रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो अपना टाइम को जो है प्रॉपर यूटिलाइज़ करें. आप ये सोचें कि जो है हमारा स्कूल टाइम है और जो है हमारा कोचिंग का जो टाइम है वो पूरा टाइम जो है हमें देना है. तो आप एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी को थोरोली रीड करना है, जो भी टॉपिक्स हम करवाएँ, और बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो सब आप इजिली कर सकते हो. कॉन्सेप्ट्स को जो है आप जो हम लेक्चर्स देते हैं थॉरली करो, ठीक है, और फर्दर जो है आप, और कंटिन्यूअस रिवीजन ज़रूर रखना है, मीन्स फॉर्मूले का जो है कब कौन साइज नोटबुक बनाएं हर सब्जेक्ट के लिए, और फॉर्मूले को जो है आप सेपरेट करके जो है लिखें, और डेली जो है एक बार जो है उन फार्मूले को रिवाइज़ कर लेना, और एटलीस्ट हर फार्मूले पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपका किया हुआ होना चाहिए, तो फार्मूले जो है आपको ईजिली याद हो जाएंगे, और फार्मूला जो है आपका याद भी हो जाएगा. खैर तो ये आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाएं.
तो देखिए RP4 माइनस RPA, तो ये हमारे पास आ गया 12 आई कैप एंड प्लस 9 जे कैप एंड प्लस 9 के कैप. दिस वन इज इन सेंटीमीटर, बट आपको मीटर में लिखना है ना. तो इट इज 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 9 के कैप इंटू 10^-2 मीटर डिवाइडेड बाई. अब आपको क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड. तो इट इज द मैग्नीट्यूड, दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम. सिमिलरली वी गेट AP4B, तो दैट इज K चार्ज ऑन B, RP4 माइनस RB बाई क्यू. अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है. तो सही, व्हाट इज RP4 माइनस RB, दोनों वैल्यूज बताया हुआ है मैंने, ठीक है. अब देखिए RP4 ये है हमारे पास एंड इट इज RB, तो 9 माइनस 3 आई वाला तो जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इट इज 6 आई कैप 9 जे कैप प्लस 9 के कैप. सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर, दिस मच ऑफ मीटर है ना. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 चार्ज ऑन बी इज 2 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. This much of Newton per coulomb. Now put these values in equation 1. Values in equation 1, we get filled at point P4. और फिर चाहे तो आप इसका magnitude calculate कर लें. Okay. अब एक part और आते हैं. Problems based on equilibrium. Equilibrium means यहाँ पे हम सिर्फ अभी particle equilibrium को check कर रहे हैं. तो Newton's laws of motion linear dynamics में जो है हमने class 11th में किया था कि कोई भी particle equilibrium में तब होता है when net force acting on the particle is zero. Particle का net force zero लेना है, राइट. तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फील्ड ए नेट वेक्टर मस्ट बी जीरो. दैट मींस नेट फील्ड अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जीरो. और अगर नेट फील्ड जीरो है, इट इंप्लाइज दैट द नेट फोर्स इज आल्सो व्हाट, जीरो. तो फोर्स एक्स में, y में और z में तीनों ही कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जीरो, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम में हमें 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स में जो भी फोर्सेस या फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे उनका रिजल्टेंट को जीरो लिखना है, और जीरो रखने के बाद जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट ये पॉइंट जो है ध्यान रखना है, if number of vectors in cyclic order, cyclic order means clockwise हो या anti-clockwise हो, combine together to form a loop, closed region, then the resultant of the vectors is zero.
इस पे भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस combine together to form a loop, then we may use Lemmy's theorem. तो अब हम Lemmy's theorem use कर सकते हैं। अगर forces का case हो तो equilibrium solve करने के लिए हम Lemmy's theorem use कर सकते हैं। तो Lemmy's theorem क्या है? फोर्स को सपोज हमने यहाँ कंसिडर किया, थ्री डिफरेंट डायरेक्शन, एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर एंड एफ थ्री वेक्टर। दिस एंगल इज थीटा वन, दिस एंगल इज थीटा टू एंड दिस एंगल इज थीटा थ्री। से एफ एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन from Lemmy's theorem f1 by sine of theta 1 is equal to f2 by sine theta 2 is equal to f3 by sine theta 3 and this result is always a constant value. ये Lemmy's theorem है, इससे कई numericals easily solve हो जाते हैं। अभी superposition या equilibrium के questions हम discuss करेंगे तो इस concept का भी use करेंगे हम यूज़, ठीक है। डायनेमिक्स में भी कई न्यूमेरिकल सीजली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है ये एलेवेंथ मैथ्स में जो है आपने किया होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में जो है हमारा ये फॉर्मूला आता है, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं इसको, देखें एफ वन हमने लिया तो विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन दिस रिजल्ट इज एफ वन, राइट। एफ टू, the head tail of f2 will be connected with the head of f1, so this vector is what, f2. Now tail of f3 will be connected with the head of f2, this resultant is f3. So see, abhi maine bataya tha ek point, if number of vectors in cyclic order combine together to form a loop, yahan ek triangle generate ho gaya na, to resultant of the vectors is what, sigma f here is जीरो। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, ठीक है। तो एफ वन का सामने एंगल क्या है, थीटा वन, तो दिस एंगल इज थीटा वन। एफ टू का सामने क्या है, थीटा टू, ये थीटा टू। तो ये हमारे पास जो है ये एक्चुअली जो है थीटा टू एंड ये दिस एंगल इज व्हाट, थीटा थ्री, है ना। तो Lemmy's theorem यूज़ करके हम ये यूज़ कर सकते हैं। एक और माइनर पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर ये आप रिवाइज करके आएंगे और रिवीजन का बाद जो है फिर हम न्यूमेरिकल्स, सुपरपोजिशन, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल पॉइंट करवाऊंगा, उसके बाद जो है विल गो टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक पॉइंट और है, देखिए if a system of n particles are in equilibrium, then equilibrium means sorry static hai maan lijiye, then one is considered static, to ek ko aap static bana le, one is considered and static and इक्विलिब्रियम ऑफ कितने पार्टिकल्स बच गए आप, एन माइनस वन पार्टिकल्स मे बी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल।
बेसिकली. फिर बचे हुए का जो है आप इक्विलिब्रियम को सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा. वी हैव टू पेंडुलम्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल चार्ज. वी हैव टू पेंडुलम्स, मास ऑफ दिस पेंडुलम इज एम, चार्ज इज क्यू, मास इज एम, चार्ज क्यू, लेंथ इज एल, लेंथ इज एल. दीज आर लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, अगर चार्जेस नहीं होते तो ये दोनों जो है मासेस कॉन्टेक्ट में होते. अगर हमने चार्ज दिया तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स के कारण जो है दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, सेपरेट हो गया. दिस वन इज सपोज ए एंड दिस वन इज व्हाट, बी. तो दिस सिस्टम हैज टू चार्जेस, टू पार्टिकल्स. तो वन विल बी कंसिडर्ड व्हाट, स्टैटिक. अब बचा दूसरा, दूसरे के इक्विलिब्रियम को हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा. तो इसमें देखिए कौन कौन से फोर्सेस है. वन फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई. सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो एफ ई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इट हैज मास, देन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी. टेंशन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्ट्रिंग, दिस टेंशन इज टी. दिस एंगल इज व्हाट, थीटा. तो दिस पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. सी दिस टेंशन टी इज नाइदर अलोंग एक्स नॉर अलोंग वाई. ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट, थीटा. तो इसको रिजॉल्व किया हमने, थीटा वाला साइड हमेशा किस में जाता है, कॉस में. तो दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा एंड द अदर कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा. तो अब देखें इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या करना है, जीरो. तो एक्स कोऑर्डिनेट को जो हमने बैलेंस किया और वाई वाले को भी बैलेंस कर लिया, ऐसे है ना. तो सी फॉर इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा वी हैव व्हाट, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. एंड टी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एम जी. अब ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है. फिर जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इससे इजिली फाइंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास जो है हम न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस करेंगे और इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, आप इतना ज़रूर रिवाइज करके, और जब भी रिवाइज करें तो स्टार्टिंग से रिवाइज करें. थैंक यू.